दोस्तों वेलकम बैक। सबसे पहले थैंक यू चैनल को कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो है हम अपनी स्टारफील्ड की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मिशंस में चल के देखते हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में जो है ये फैक्शन मिशंस किए थे, तो आज जो है हम ये मिसलेनियस टाइप पर जाके कुछ यहाँ पे मिसलेनियस मिशंस हैं। तो इनमें से एक सबसे पहले जो हमें मिला था वो है मैंटिस करके। तो आज जो हम याला मिशन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। इसकी जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन है वो बोलता है कि भाई हमें एक नोट मिला था एक सीक्रेट आउटपोस्ट के बारे में किसी एक डेड स्पेसर पे। तो देखते हैं कि क्या था ये नोट में और यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो चलिए इसको ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहला है कि सीक्रेट आउटपोस्ट का ये जो स्लेट मिला था उसको रीड करना है। तो इन्वेंट्री में चलते हैं और देखते हैं नोट्स में। हाँ तो ये वाला होगा सीक्रेट आउटपोस्ट, तो पढ़ते हैं इसको। तो इस पर लिखा है कि भाई अपने क्रू से लॉयल हो, ठीक है समझ में आती है बात, बट स्क्रू दैट, ठीक है बैक करो, बोरो करो, स्टील करो, किल करो किसी को, बट डेने बोला आई वन बी पे आओ। इधर जो है एक सीक्रेट आउटपोस्ट है जिसको हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, वरना जो है तुम पूरे लाइफ भर ये रिग्रेट करोगे कि तुम यहाँ पे नहीं आए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस प्लेनेट पे, ऐसा क्या मिलेगा यहाँ पे हमें। तो डे ने बोला वन बी पे जाना है, तो चलिए। अच्छा ये लगता है कि हमारे इसके बाहर है, तो थोड़ा सा जो है इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं। हम यहाँ तक आए नहीं हैं, तो जो है हमें पहले वोली तक आ सकते हैं हम। नहीं तो हमें पहले ओलंपस पे आना पड़ेगा और फिर ओलंपस से लगता है एक या दो स्टेप्स और लेके फिर निकलेंगे। देखते हैं यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं या नहीं, वरना हो सकता है एक जंप और लगानी पड़े। ठीक है कोई इनकमिंग हेल था बट छोड़िए उसको। देखते हैं यहाँ से इधर आने के लिए जो है अब हम पूरीमा तक आ सकते हैं, फिर लगता है वहां से हम आ पाएंगे इधर। तो जंप करते हैं। लगता है कोई और साइड मिशन होगा जो ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है ये बाद में देखेंगे, अभी जो है चलते हैं डेनेबोला पे। तो ऐसे काफी सारे साइड मिशंस हैं लगता है, जो कि आप जैसे धीरे धीरे प्लैनेट्स एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे आते रहेंगे। तो चलिए मैप खोलते हैं, इस तरफ है ये रहा सीक्रेट आउटपोस्ट। तो ठीक है तो लैंड करते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है कि मैंटिस का जो लेयर है वो एक्सप्लोर करना है। ठीक है तो एग्जिट करते हैं, देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. ये रे ऐसा करते हैं अपनी गन निकालते हैं। और ऐसा करते हैं कि वैस्को को बोलते हैं हमें फॉलो करें। Captain, hello. I have no objection. हाँ चल आ जा बेटा। हाँ आ जा। In the area.
है ये थोड़े से दूर है, तो अपनी राइफल निकालते हैं लॉन्ग रेंज। ये भी थोड़ा सा दूर है तो और पास चलना पड़ेगा। अब आए रेंज में, हट गए। चलिए ये दोनों गए। लगता है यहाँ पे काफी सारे स्पेसेस मिलेंगे। एक यहीं पर ही है, हट बे हट बे। चल अभी के लिए आगे देखते हैं, पक्की बात है और भी गुंडे मिलेंगे। स्पेसर की बॉडी पे मिला था ये नोट, तो देखते हैं और भी स्पेसर्स होंगे यहाँ पे, पक्की बात है। ठीक है ट्रांसफर कर लेते हैं, देखते हैं इधर और क्या मिलेगा। कॉपर इसको स्कैन कर लेते हैं। वेपन केस यहाँ पे थोड़ा मिल्क एमो वगैरह होगा। ये वैसा लग रहा है जो हमें क्रिक्स पे भी मिला था कि यहाँ से जो है इसके नीचे स्पेसशिप होगा, तो देखते हैं स्पेसशिप मिलेगा या क्या। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ तो वैसे भी कुछ लग नहीं रहा। और इधर और है, चलिए ये गया। और भी है, इधर है, साले छुप के मार रहा है ये ले। लगता है इधर कोई टरेट भी है, इधर भागा कोई। अबे तो जाके मार लेना थोड़ा सा। ओहो लेवल 30 पे है। हेल्थ पैक ले लेते हैं और इसको मारते हैं पहले तो। चलिए ये तो गया। इधर दो और हैं, ये भाग रहा है एक तो। चल के मारते हैं इसको पहले, पता चला ये फ्लैंक करे। तरफ कहीं भागा, तेरा हट। चलिए इस तरफ एक और था पहले मैप पे, लगता है वो भाग गया कहीं, तो इस तरफ चलते हैं वापस। ले लेते हैं सब क्रेडिट्स, गन्स। चलिए और कुछ नहीं इधर, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं लेयर के अंदर क्या मिलेगा। सबसे पहले तो गन को रीलोड कर लेते हैं, देखते हैं कुछ काम का है नहीं। इधर ये क्या है, ये भी नहीं है, ये सब नहीं चाहिए, बोर्ड गेम नहीं चाहिए, छोड़ो कुछ भी नहीं है काम का। फालतू के लॉकर बना के रखे हुए हैं।
ठीक है, क्लोज क्वार्टर्स में जो है गन चेंज कर लेते हैं। लर्न मोर अबाउट द लेयर ऑफ द मैंटिस। अच्छा, तो लगता है यहाँ पे कुछ ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बाहर कुछ है, देखते हैं क्या है। ये बाहर कुछ मिशन ट्रैकर आया। नहीं, तो लगता है कुछ गड़बड़ होगी। चलिए वापस चलते हैं फिर अंदर। या हो सकता है ये बाहर ना हो, ये नीचे की तरफ हो, घूम फिर के आएंगे यहाँ पे। आराम से चलते हैं, इधर देखते हैं स्पेसर्स वगैरह होंगे पक्की बात है। इस तरफ कुछ लूटने को नहीं है। ये क्या है, नोटपैड सा लग रहा है, छोड़ो। हाँ, आवाज आ रही है। इसके पीछे है वो रे। कोई एक गोली मार दी, बट ठीक है, वो रिकवर हो जाएगा। चलिए, काफी सामान मिल गया इधर। इधर से नहीं जा सकते। ये क्या है, ऑटोमेटेड मैसेज। ठीक है, सुनते हैं क्या है मैसेज में। Almost there. I know. Things have been difficult. The mantle of the mantis is a heavy burden. But you can do so much good. Spacers and pirates need someone to fear, someone to check them, to make them realize some lines cannot be crossed. You have it in you, Leon. I know you do. Stay sharp, focused, just a little further. अच्छा, तो ये मैसेज था किसी के लिए। मे बी उसको ट्रेन कर रहे हैं। मैंटिस जो है साउंड करता है कि पायरेट्स और स्पेसर्स को लाइन में रखने के लिए, सॉर्ट ऑफ बैटमैन जैसा कि भाई अबव द लॉ काम करूंगा बट उनको लाइन में रखूंगा। और देखते हैं इधर क्या है। अबे हेडशॉट था वो तो। चलो ये तो गया। और है इधर कोई, आ जाओ बेटा। चलो ये भी गया। आजा 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 आजा। अबे सामने से हट जा भाई मेरे वास्को। ये लो, अपने आप को ही फ्रैग से उड़ा लिया। ठीक है, लगता है उधर जाना है। ये खुद ही मर गया अपने फ्रैग से ही। To party hard. The video was emotional. Mom and I stopped talking years ago. Mom didn't look good, but it was Mom. It's weird, crazy, and cryptic as ever. I'm almost surprised she remembered she even had a son. It was hard to hear, almost touching. But then the punchline. No inheritance until I go to Mom's secret base on Denebola 1B. And she ends not with an I love you or an I'm proud of you. No. Six Semper Tyrannis. My god. Always with that stupid Latin saying. Over and over she'd say that damn thing. Thanks, Mom. Thanks oh so much. अच्छा, तो ऐसा लगता है कि ये लियोन की मॉम है जो मैंटिस थी, और उसने जो है अपने इनहेरिटेंस में लियोन के लिए ये छोड़ा होगा जो भी ये लेयर में है, और उसको बोला कि भाई चाहिए तो यहीं पर आके मिलेगा। तो देखते हैं आगे लियोन मिलेगा हमें या वो ऑलरेडी सामान लेके भाग चुका है। ठीक है, इसको अनलॉक करते हैं। एक्सपर्ट लेवल है, तीन लेवल्स हैं,
तो सबसे पहले अंदर वाला, सबसे अंदर वाला देखते हैं। 1 2 3 4, चार हैं उधर, तो देखते हैं चार का कॉम्बो ये चलेगा या नहीं। नहीं, चार का एक और है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। नहीं, ये भी नहीं। तो 3 + 1 हो सकता है, 2 + 2 तो नहीं होगा क्योंकि दो के कॉम्बिनेशन हमारे पास है नहीं, एक ही है। तो देखते हैं, ये हो गया एक, और एक सिंगल वाला तो खैर फिर हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे अंदर वाली लेयर के लिए ये 3 हो गए, और एक याला हो गया। सेकंड लेयर में देखते हैं, 1 2 3 4 5 है इधर, तो 4 + 1 या 3 + 2 रहेगा। तो पहले 4 वाला ट्राई करते हैं, कुछ फिट होता है तो। नहीं, हाँ ये फिट हुआ, तो ये 4 हो जाएगा, +1 तो खैर हो ही जाएगा। तो ये 1 हो गया और ये 4 वाला फिट हो गया सेकंड लेयर में। ठीक है, थर्ड देखते हैं, सबसे बाहर वाला, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, तो 4 + 1 रहेगा या 3 + 2। तो देखते हैं कोई 4 + 1 वाला फिट होता है तो। नहीं, 4 वाला तो नहीं हो रहा, तो 3 वाला ट्राई करते हैं। ये भी नहीं, ये तो सबसे अंदर वाले के लिए, ये ट्राई करके देखते हैं। नहीं, इधर भी नहीं, नहीं ये भी नहीं। और देखते हैं फिर क्या कॉम्बो बन सकता है इधर। 1 2 4 वाला नहीं बन रहा, और 3 वाला ये भी नहीं बन रहा था। ये बन रहा है, लेकिन 1 सेकेंड, ये तो हमने अंदर वाले के लिए यूज किया था, राइट, सेकेंड वाले के लिए। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक बार वापस रिविजिट करते हैं इसको। ये 4 वाला जो है सेकेंड लेयर के लिए था, और उसके बाद जो है ये 1 वाला था सेकेंड लेयर के लिए, सबसे अंदर के लिए ये था 3 + 1, ये 4 हो गया। तो जो है सबसे बाहर वाले के लिए ये हो गया 3, और फिर एक जो 2 वाला बचा है, देखते हैं ये 2 वाला फिट होता है या नहीं। नहीं, ये 2 वाला तो फिट नहीं होगा, और हमारे पास 1 वाले जो बचे हैं, तो अगर हम वापस आए इस पे 3 पे, तो ये 3 हमारे स्लॉट्स भरते हैं, 2 वाले जो हैं हमारे नहीं भरेंगे इससे, क्योंकि 2 वाले थोड़े से वाइडली स्पेस्ड हैं। वरना ये हो सकता है 2 का कॉम्बो, और बाकी जो है 3 का देखें कोई और। ये हो सकता है शायद, ये ट्राई करते हैं। नहीं, इसमें वो 1 स्लॉट नहीं होगा ना। तो सबसे बाहर वाले में जो है ये तो नहीं चलेगा, तो मतलब कि हमारे को कॉम्बिनेशंस को चेंज करने पड़ेंगे लगता है। ये ट्राई करते हैं, तो ये हुआ बाहर के लिए, और तो ये हुआ बाहर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर वाला देखें, ये तो हमारा फिट था ही ऑलरेडी, ये वाला हो गया और ये सिंगल हो गया। तभी हमारे को फिर सबसे अंदर वाला कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा,
तो एक दो तीन चार हैं सबसे अंदर वाले में, तो देखते हैं कि कौन से 4 फिट हो सकते हैं सबसे अंदर। ये नहीं होगा, ये ट्राई करते हैं। ये हो गया, ठीक है, और एक इसके साथ सिंगल हो जाएगा। तो चलिए, 3 प्लस 2, ये 4 प्लस 1, ऑलरेडी हमारा ये सेट है। उसके बाद जो है ये 3 और ये 1। चलिए बढ़िया रहा ये। देखते हैं क्या क्या है। एमओ है, 706 क्रेडिट्स हैं, और एक मॉडिफाइड रेगुलेटर। चलिए अच्छा सामान मिल गया। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, सामान जो है वास्को के पास Captain, रखवा देते हैं। greeting. Am I currently in? नहीं, ओहो, वास्को की कैपेसिटी भी काफी फुल ही ऑलरेडी, बट ठीक है, जितना रखवा सकते हैं। 4 की कैपेसिटी है इसके पास, तो देखते हैं क्या क्या आ सकता है। बस इतना ही आ पाएगा। हाँ ठीक है, देखते हैं कुछ मिसलिनियस में नहीं। रिसोर्सेज अभी तक कुछ नहीं मिले ना। ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से। Good day, Captain. अब देखते हैं नीचे क्या मिलेगा। हेल्थ रिकवर कर लेते हैं आगे चलने से पहले, पक्की बात है आगे भी और होंगे। स्पेसर्स, मेडपैक, क्रेडिट्स, ठीक है, देखते हैं अंदर क्या है। इतने मस्त से बैठे हुए थे कि दुनिया में कोई फिगर ही नहीं है, देखने के बाद भी ऐसे आलस से उठ रहे हैं। अरे चलो मार लो, अरे हट जा, करोजे बोरो नाइफ। अरे यार नाइफ मिली, लेजेंडरी नाइफ जो है ज्यादा काम की नहीं आती, मेली फाइट्स थोड़ी सी कम ही रहती हैं, बट एक बारी खोल के देखते हैं क्या है इसका। 30% डैमेज, रैंडमली अप्लाईज अ ब्लीड इफेक्ट टू द टारगेट, स्मॉल चांस टू नॉक डाउन टारगेट्स। चलिए ठीक है, इसको देखेंगे बाद में। इधर देखते हैं, पक्की बात और होंगे। हाँ ओ भाई, आग के ऊपर था तब भी कुछ नहीं हो रहा उसको। काफी सारे हैं इधर, तो थोड़ा सा कवर लेते हैं। चलो ये तो गया, तेरी बारी। चलिए ये भी गया, एक इधर बचा है लेवल 14 पे, दो हैं इधर। चलो ये भी गया, एक बचा अभी के लिए। ओ मैप पे तो वैसे काफी सारे हैं। भाई तू यहाँ पे खड़े होकर कमेंट्री करता रही हो बस। ठीक है, राइफल निकालने का टाइम, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है। चलो हो गया, मेरी बारी। चलिए ये भी गया, लगता है एक और है। ठीक है, तब तक रीलोड करते हैं इसको। लगता है नीचे और भी होंगे, सीढ़ियां जा रही है नीचे की तरफ। ऐसा करते हैं, क्लोज कॉम्बैट के लिए इसको निकालते हैं अभी के लिए। कोई नहीं है, इधर है 4-5 और। Get some cover now.
फाइनली जो है वास्को जा रहा है हमारे लिए सामने आने के लिए। सदा काफी सारे हैं इधर, इस तरफ चल के देखते हैं। नहीं, मुझे लगा उधर से फ्लैंक कर सकेंगे, हो सकता है कर सकें आगे। हम भी फेंकते हैं बेटा ग्रेनेड, ये लो। हेल्थ रिकवर करते हैं और ऐसा करते हैं, ये लेते हैं। पीछे हो जाओ, चलिए गए लगता है अभी के लिए सारे। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है लूट कलेक्ट करते हैं, देखते हैं इधर क्या क्या है। इस रनिंग क्विकली, चलिए ओवरवेट हो गए अभी के लिए, बट देखते हैं। हेल्थ रिकवर कर लेते हैं, इस तरफ देख लेते हैं पहले और क्या है। कोई गुंडे हैं तो उनको भी मार लेते हैं। नहीं है इधर कुछ, बस अच्छा इस तरफ से रास्ता है, इधर देख लेते हैं कुछ है। नहीं, ये क्या है, टेबल पे कुछ काम का नहीं, इधर भी कुछ नहीं है। मेड पैक कंपोनेंट क्राफ्टिंग के, अच्छा लियोन वोक्लेन मैंटिस रिवील, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ लग ही रहा था। I mean, the mantis is a fairy tale. Someone to keep pirates from going off the deep end. I guess it's possible. She never talked about where she got her fortune. And man, she could handle herself anywhere. It's a lot to take in. चलिए, तो कंफर्म हो गया कि ये लियोन की जो मदर है वही मैंटिस थी। चलते हैं अब इस तरफ। अभी के लिए उठा लेते हैं, वैसे तो ओवरवेट है बट देखते हैं, आगे डिस्कार्ड कर देंगे सब कुछ एक साथ ही। लगता है इधर और कोई भी है। ओरे, इधर भी है 5-7। चलिए लेवल 16 पे पहुंच गया हम इसके साथ। इधर से आ रहा है, ऐसे हमारे को शील्ड करता रहे था। चलिए ये तो गया, इधर देखते हैं, रीलोड मारते हैं पहले तो। चलिए ये गया, दो बचे हैं, क्रिटिकल हिट। चलिए ये भी गया, एक बचा है इधर। Do not attempt combat with us. You will not survive.
ओहो ये लेवल 30 है, हेल्थ रिकवर कर लो पहले है भाई, एक शॉट में ले जाएगा। I advise a hasty retreat. It will save your life. गन चेंज करते हैं, थोड़ी सी और मॉडिफाइड हो जाएंगे लेते हैं अभी के लिए। अबे यार कैसा है ये बेवकूफ, हट साला, हर बारी सामने आ जाएगा। गलती कर दी लगता है इसको लाके। ओ एक और लेजेंडरी आइटम, डीमोरलाइजिंग मॉडिफाइड गन, देखते हैं उसको एक मिनट। पहले यहाँ पे सारा लूट कलेक्ट कर लें। एक्सपर्ट लेवल लॉक है, वेट तो हमारा पक्की बात है बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लगता है ये हैं, तो इनको अनलॉक करते हैं। एक्सपर्ट लेवल एक सबसे अंदर जो है, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो देखते हैं या तो 4+1 लगेगा या 3+2। तो पहले 3 वाले से ट्राई करते हैं, कुछ फिट होता है तो। हाँ ये वाला सबसे अंदर फिट हो रहा है, फिर 2 वाला देखते हैं कोई, ये भी फिट हो रहा है। तो ये 3+2 तो सबसे अंदर के लिए हो गए, पहले 2। अब सेकंड लेवल पे देखते हैं, 1, 2, 3, 5 है इधर भी, तो इधर भी जो है 4+1 या 3+2 लगेगा। तो ये देखते हैं 4 वाला फिट होता है क्या, ये इधर नहीं, नहीं तो ये तो नहीं हो रहा। ये वाला देखते हैं, इस तरफ तो नहीं, इधर भी नहीं, नहीं ये भी नहीं हो रहा। ये देखते हैं 4, नहीं ये भी नहीं, ये 3 देखते हैं, नहीं ये भी नहीं लग रहा। तो एक बारी वापस से शुरू करते हैं, ये 4 से देखते हैं पहले, नहीं ये नहीं है, ये 4 भी नहीं लग रहा है, तो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। इसको ट्राई करते हैं फिर से, हाँ ये वाला फिट हुआ सेकंड रिंग में। तो ये 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा इसके बाद ये वाला इधर, हाँ। तो सबसे बाहर वाली रिंग में देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं इधर भी, तो 3+2 देखते हैं, ये हो गया एक सबसे बाहर और ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा था इधर के लिए, नहीं ये वाला था, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। ये वाला था और ये वाला, ठीक है सबसे अंदर के लिए तो ये दोनों थे, 3+2। चलिए खुल गया, चलिए जो भी था मिल गया। पता नहीं चला कि वो वेपन क्रेट में था या उसकी बॉडी पे, बट ठीक है। इधर एक हेलमेट है, इसको भी ले लेते हैं और देखते हैं इधर कुछ है, इस तरफ कुछ नहीं है। ये क्या रखा है, नहीं स्क्रू ड्राइवर नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला सेफ भी खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। ये भी एक्सपर्ट लेवल लॉक है, 3 लेवल्स हैं, तो सबसे अंदर वाले में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो 6 के लिए जो है देखते हैं, हमारे को 3+3 चाहिए होगा या 3+2+1 भी हो सकता है, तो देखते हैं कौन सा फिट होता है सबसे अंदर।
ये नहीं, इधर ये हो रहा है फिट, ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं। और उसके बाद जो है इसको देखते हैं, नहीं ये तो नहीं हो रहा फिट। ये था तो 2+1 ट्राई करते हैं इसके बाद। हाँ, क्योंकि और कोई तीन वाला ऐसा दिख नहीं रहा जो बाकी के तीन स्लॉट्स को फिल करे, तो 2+1 में देखते हैं दो जो पास हों। ये दोनों जैसे बिल्कुल पास हैं, नहीं लेकिन इतने पास भी नहीं है कि वाले स्लॉट फुल हों। तो दूसरा कोई 3 का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, हो सकता है वो भी फिट हो रहा है, बट हो सकता है कोई दूसरा फिट हो। जैसे ये हुआ, अब देखते हैं ये वाला। हाँ, तो जैसे एक ये हो गया और दूसरा जो है ये हो गया, ठीक है। तो ये सबसे अंदर के लिए हो गया। सेकंड लेवल पे देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4 स्लॉट्स हैं। तो 3+1 या 2+2 का कॉम्बो, तो देखते हैं 3+1 में ये फिट होता है क्या। हाँ, ये फिट हो रहा है, और 1 में जो है ये इधर फिट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बाहर जो है 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो इधर भी जो है 3+2 का कॉम्बो या 2+2+1 हो सकता है। तो देखते हैं क्या फिट होता है इधर। ये हुआ, और एक वाले दो बचे हैं, तो हाँ ये हो जाएंगे फिट। तो ये हुआ गया। उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि ये इधर था, तो इसको इधर लगाते हैं, और ये जो है इधर आ गया। तो ये सबसे बाहर वाला फिट हो गया हमारा। सेकंड लेयर पे जो है ये हो गया, 1, 2, 3 और एक। अच्छा नहीं, तो ये एक वाला हमने, हाँ ये हो गया एक वाला। और सबसे अंदर के लिए जो है हमारे पास था ये वाला, और उसके बाद जो है दो के लिए। एक बारी फिर से कंफर्म कर लेते हैं, सबसे अंदर वाला 1, 2, 3 और दो के लिए जो है कौन सा था, ये नहीं था। नहीं ये भी नहीं था। तो सबसे अंदर वाले को एक बारी कंफर्म कर लेते हैं इससे पहले हम आगे बढ़े। ये होगा, नहीं ये तो स्लॉट में फिट नहीं हो रहा। कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा लगता है इसके लिए। बारी देखते हैं फिर से। तो ये सबसे अच्छा ये हो गया सबसे अंदर वाले के लिए 3, और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो देखते हैं एक बारी वापस कौन सा था सबसे बाहर के लिए। एक ये था, एक ये था, और फिर ये नहीं, ये नहीं हमने अलाइन किया हुआ था ये वाला, ठीक है।
अब उसके बाद जो है एक ये हो गया और ये हो गया सबसे अंदर वाले के लिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। चलिए ये हुआ अनलॉक। एक्सपर्ट लॉक जो है काफ़ी सोच समझ के खोलने पड़ते हैं, 3 लेवल। चलिए काफ़ी कुछ मिला इधर, आगे बढ़ते हैं। ये कौन है भाई? ऑप्शनल टॉक टू लिवी, ऑप्शनल लर्न मोर अबाउट द लेयर ऑफ द मेंटिस। तो लगता है इससे बात करनी है, करते हैं अभी 2 मिनट में। पहले एक बार इधर नज़र मार लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। इधर देखते हैं इसको तो। ठीक है, इसका भी सामान लूट लिया। उस तरफ एक नज़र और मार लेते हैं। ओ ये लियोन है, बेचारा मरा पड़ा है यहाँ पे। चलिए इधर काफ़ी सामान मिल गया, डीजे पे हार्ड मेट पैक वगैरह। और क्या है इधर? क्रेडिट्स, मेड पैक। अच्छा हम इधर से ही आए थे, इधर से पहले इनको मारा था। ठीक है तो अब बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं लिवी से। हाँ भाई, शूट, आई एम अनआर्म्ड। लुक, वी कैन हेल्प ईच अदर, आई कैन बी यूजफुल, जस्ट डोंट किल मी। ठीक है देखते हैं। अच्छा जस्ट अनदर डेड स्पेसर, टेल मी हु यू आर। स्पेसर जो है ज्यादातर सरेंडर करने टाइप के नहीं होते। हाँ इट्स बिकॉज़ आई एम स्मार्ट, यू हैव किल्ड सो मेनी, आई एम नथिंग, नो चांस, सो वी कैन मेक अ डील। दिस प्लेस वाज फुल ऑफ ट्रैप्स, ट्रैप्स एवरीवेयर, आई रिमूव्ड देम, बट दिस कॉरिडोर इज जस्ट टू डेंजरस। सी, लुक्स नॉर्मल, वन स्टेप इनसाइड, स्लैम, यू आर ट्रैप्ड। And nobody's been standing after the doors reopened. अच्छा तो लगता है यहाँ पे काफी सारे ट्रैप्स वगैरह हैं। तो ठीक है, अगर बचना चाहते हो तो अपनी वर्थ प्रूफ करो। लुक्स लाइक ये जगह ने जो है ऑलरेडी तुम्हें काफी प्रॉब्लम दी है। हाउ डू यू डील विद द ट्रैप्स? No, sorry. If I tell you that, then I lose my leverage. चलो सही बात You're है। ingenious. Took a lot of lives to tease them out. ओ चलिए ठीक है, तो No one knew how to get अगर to ये the हेल्प corridor, करता है तो छोड़ देंगे इसको। but I figured it out. There are letters on the floor. It is a grid. Those letters must spell something. But there are so many words or small phrases. ठीक है, how many words have you tried? 5, 6? It's hard to find volunteers. I really thought we had it with M. Mantis. अच्छा, poor Fred. तो लगता है कि ग्रिड पे जो है ये कुछ लिखता है वर्ड्स, और अगर वो ठीक नहीं होते तो वो फट जाता है, मतलब ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और जो भी वॉलेंटियर है वो मर जाता है। ठीक है चलिए। Why does everyone always say that? स्मार्टर देन यू लुक। See, I've been helpful. You could let me go. Or better, I can help. I know these traps. I know how this mantis thinks. Please, let me help. And just give me a taste of the cachet inside. You can trust me. ठीक है, बिट्रे करेगा तो मार दूंगा। अभी अटैक कर सकते हैं, मदद की जरूरत नहीं है, कट ले यहाँ से। तुझे सही में लगता है कि मैं तुझे ट्रस्ट करूंगा? Trust is maybe too strong a word. We need each other, so we अच्छा use each other. Then, when the arrangement is no good, we decide then. ठीक है। Spoken like a true spacer. You won't regret this. I will hold back here. And, well, good luck. चलिए तो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर अनलॉक कर सकते हैं, इसको मास्टर लेवल का है। छोड़िए अभी, आगे देखते हैं क्या है। ओहो इधर लेजर्स हैं, टरेट्स लगी हुई हैं ऊपर, तो देखते हैं यहाँ से। भाई लेवल 46 की हैं, छोड़ो।
अच्छा मास्टर लेवल लॉक अभी हमारे पास है नहीं अवेलेबल। स्किल देखते हैं, एक बारी स्किल पॉइंट है हमारे पास, इसको अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इधर। अभी नहीं कर सकते, ये रैंक 3 पे जाने के लिए जो है हमें 15 लॉक्स पहले वो खोलने पड़ेंगे, अभी तक हमने 7 ही खोले हैं। तो लगता है कि ये जो टैरेट्स है लेवल 46, इनको ऐसे ही हमारे मारना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसे छुप छुप के मारेंगे। ये तो पक्की बात है, काफी हेल्थ लेके जाएंगे। ऐसा करते हैं, हाँ ये लेते हैं। इसकी रेंज ही नहीं है इतनी, तो फिर हंटिंग राइफल ही लेनी पड़ेगी। चलिए एक तो गया, तरफ आते हैं पहले तो। ओहो चलिए एक और टैरेट भी गई, एक बाकी है बस, रीलोड करते हैं। हेल्थ रिकवर हो जाए, अब चलते हैं जल्दी से। अच्छा दो है अभी। अबे गधे साइड हो जा। चलिए ये भी गई। ओ भाई ये वास को बहुत ही इरिटेटिंग है यार, गलती कर दी इसको साथ में लाके, लगता है बार बार सामने आके खड़ा हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, एक ही बची है तो थोड़ा सा। अबे चुप कर, चलिए बेवकूफ साला, देखते हैं क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। काफी सारे क्रेडिट्स, चलते हैं इधर से आगे। यहाँ पे अच्छा बटन दबा के एक्टिवेट करना है। इधर क्या है, एक और एक्सपर्ट लेवल लॉक, छोड़ो उसको। वैसे अंदर काफी सामान दिख रहा है, ठीक है इसको खोलते ही हैं। अंदर काफी सामान दिख रहा है तो ट्राई करते हैं। तो देखते हैं सबसे अंदर जो है, 1 2 3 4 5 6 7। ओ भाई तो देखते हैं चार वाला कहीं फिट होता है क्या। हाँ ये चार वाला हो रहा है। अब इसके बाद जो है 1 2 3 चाहिए, जो दो इधर हो और एक थोड़ा सा दूर हो। तो ये देखते हैं, हाँ ये रहा, ये चार वाला हो गया। और उसके बाद 1 2 3 के लिए जो है ये वाला हो गया। चलिए बढ़िया, तो ये 4+3 हो गया। सेकंड लेवल पे जो है 1 2 3 है, तो तीन वाला जो है देखते हैं कोई फिट होगा या नहीं। नहीं तीन वाला तो कोई नहीं होगा, एक ही बचा है तीन वाला। तो दो वाला देखते हैं कौन सा फिट होता है। नहीं ये भी नहीं, ये देखते हैं ये भी उधर नहीं, बट ये इधर फिट हो रहा है। इसके साथ ये एक वाला इधर हो जाएगा, बाकी ये देखते हैं दो वाला, ये शायद बाहर फिट हो जाए। नहीं बट चलिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं
बाकी हमारे पास ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये दो वाला इधर, ये एक वाला इधर, ये तीन और ये चार। चलिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, देखते हैं क्या क्या मिलेगा इधर। एलिसजन वेपन केस में कुछ अच्छा हो, माइक्रोगन देखेंगे, ग्रेप्स अंगूर मिले हमें एक्सपर्ट लॉक खोलने पे। चलिए इधर चलते हैं, देखते हैं क्या है इधर। ओ, सामने एक और टर्रेट है भाई, ये मैंटिस ने जो है मतलब जा जा तू जा साले आगे। ये तो चलिए लेवल ठीक है, रोबोट्स। चलिए रोबोट तो गया, और भी हैं लगता है आगे। हाँ आ गए, चलिए ये भी गया। ऐसा करते हैं इसको लगते हैं, नहीं ये नहीं सॉरी ये, and there are rules. You remember when you were a teenager? All the training, the drills, all of it was to prepare you for this. I know you have it in you, Leon. अच्छा, तो लगता है लियोन की ट्रेनिंग चल रही थी ताकि वो ये लेयर में आके जो है बाद में जो भी लेयर में वो है गेयर वगैरह या सीक्रेट्स यहाँ के क्लेम कर सके, बट बेचारा जो है यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर गया। हम आ रहे हैं उसकी जगह, ठीक है। इधर देखते हैं और क्या है, ये भागा आगे, जा जा जा, देखो ट्रैप है तो उसको कर दे ट्रिगर हमारे लिए। कुछ तो है आगे, आवाज़ आ रही है ऊपर, लगता है एक और रोबोट है। लेयर ऑफ द मैंटिस पहुंच गया लगता है लेयर पे फाइनली, ये रहा रोबोट। चलिए मर गया ये भी। हाँ भाई, वास्को को तो अगली बारी नहीं लाना किसी भी, उस पर बहुत दिमाग खराब करता है साला, बीच में आ जाएगा हर बारी, करेगा कुछ है नहीं। तो देखते हैं क्या है, एक बारी जल्दी से एक्सप्लोर द लेयर ऑफ द मैंटिस, ठीक है। बैटल के बीच में ध्यान नहीं दिया, तो हम पहुंच गए इधर फाइनली। तो इधर लगता है एक स्पेसशिप है और एक स्पेस सूट है। चलिए वो कहाँ, तो आपके मैसेज सुन ही नहीं रहा, वो तो मर गया ऑलरेडी। इधर और भी रोबोट्स हैं, मारते हैं जल्दी से। चलिए वो तो गया, इधर देखते हैं और कुछ है क्या लूटने को, इस तरफ कुछ नहीं है। ओ इधर और रोबोट्स हैं, चलिए नहीं अभी थोड़ी देर बची अच्छी। ओ एक और आ गया, तो पीछे होके रीलोड कर लेते हैं।
कवर कर लेते हैं। वास्को तू तो रहने दे, कुछ करने तो वाला है नहीं तू। रीलोड करते हैं। ऊपर आ गया, बहुत बढ़िया। एक बचा है, चलिए गया ये भी। हमारी भी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। और देखते हैं कोई मिलेगा या नहीं। और देखते हैं इधर कुछ है, इस तरफ लगता है कुछ है, चल के देखते हैं। वेपन केस, शॉटगन, एमओ, इधर क्या है? कुछ नहीं। और है क्या अंदर? कुछ नहीं। इधर कोई, इधर देख लेते हैं एक बार क्या है। लगता है वो सूट तो इधर है। हाँ, इधर और कोई एनिमी है? नहीं है। ठीक है, ये लेते हैं। बोलते हैं मैनेकिन से, आर्मर प्लेटेड मैंटिस पैक, इसका क्या है? इनकमिंग डैमेज, एनर्जी डैमेज 15% कम, थर्मल रेजिस्टेंस 25, और आर्मर प्लेटेड है तो 10% कम जो है फिजिकल एनर्जी और ईएम डैमेज। चलिए बढ़िया। ये हेलमेट है, इसमें 15% कम डैमेज एलियन एनिमीज से, 25 थर्मल रेजिस्टेंस और 5% चांस टू डिसार्म नियर बाय अटैकर्स। चलिए बहुत ही बढ़िया। और ये स्पेस सूट, ओ भाई स्पेस सूट का मास 16 है। इसका क्या है कि 15% कम डैमेज रोबोट एनिमीज से, 25 एयरबोर्न रेजिस्टेंस और 75% चांस टू रिड्यूस डैमेज बाय 50% वाइल स्टैंडिंग स्टिल। अच्छा, तो अगर आप सीधे खड़े हैं तो 75% चांस है कि डैमेज कम हो जाएगा। मगर इसका देखा जाए अगर एक बारी इन्वेंट्री में जाके, तो अभी जो हमने इक्विप किया हुआ है ये इसका मास है 7 और इसका है 16, डबल से भी ज़्यादा। पैक का देखते हैं, यह है 11 और जो हमने अभी इक्विप किया हुआ है यह है 6.5 के करीब, तो ये भी जो है लगभग दुगना ही है। यह है 2.5 किलो लगभग और यह है 5.5 किलो, ये भी डबल से ज़्यादा, तो मास काफ़ी ज़्यादा है इसका। चलिए इधर देख लेते हैं एक बारी क्या है। इधर और कुछ वेपन्स हैं, स्टोरेज क्रेट, एक और एक्सपर्ट लेवल लॉक। ठीक है, इसको खोलते हैं। काफ़ी सारे लॉक थे इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, सबसे अंदर वाले में 4 हैं, तो देखते हैं 4 का कोई कॉम्बो फिट होता है क्या। देखते हैं याला, नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ भी नहीं, तो 4 वाला तो नहीं होगा। अच्छा ये भी एक 4 वाला, ये भी ट्राई करते हैं। नहीं इस तरफ नहीं, नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो 2+2 रहेगा फिर तो। ये 2 हो गया और कोई 2 वाला इतने क्लोज नहीं है, तो 2+1+1 रहेगा फिर मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो अभी के लिए जो है 2+1+1 करते हैं। ये हो गया सबसे अंदर वाला सेट, उसके बाद सेकंड लेयर में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ठीक है ये 2 और 1 1 हो गया। अब इसके बाद 6 के लिए तो 4+2 चाहिए होगा। देखते हैं कौन सा 4 वाला इधर फिट होता है, ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं इस तरफ, नहीं, तो ये देखते हैं। हाँ सेकंड में जो है ये फिट हुआ, नहीं ये नहीं, सेकंड में ये भी नहीं। और देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, ये वाला, हाँ सेकंड में जो है ये फिट हुआ, 1, 2, 3, 4, तो 2 बचे। देखते हैं कौन सा फिट होता है 2 के लिए, ये नहीं, ये देखते हैं, ये भी नहीं इधर, हाँ तो ये हुआ। और
उसके बाद जो है एक दो हाँ तो ये और ये ठीक है। अब सबसे बाहर वाला देखते हैं, एक दो तीन चार पांच हैं, तो पांच के लिए अच्छा पांच के लिए तो 4+1 लगेगा या 2+2+1 लगेगा, और हम दोनों जो वंस हैं वो ऑलरेडी अंदर के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो मतलब अंदर वाले में कुछ चेंज रहेगा। तो चलिए पहले बाहर वाले का देखते हैं, बाहर वाले में भी जो है पहले ये 4 देखते हैं काम करता है या नहीं। हाँ तो ये हो गया, और उसके बाद जो है फिर अगर हम इसको अलाइन कर देते हैं ठीक है, तो ये हो गया सबसे बाहर वाला दिस, ये 4+1 ठीक है। जो सेकंड वाला है उसमें हो गया हमारा ये वाला और ये वाला। तो अब सबसे अंदर का फिर से रिविजिट करते हैं, एक दो तीन चार हैं अंदर वाले में, तो देखते हैं कौन सा फिट होगा। तो कोई 2+2 ढूंढना पड़ेगा अंदर के लिए, तो ये नहीं है फिर ये देखते हैं नहीं ये भी नहीं है, ये देखते हैं 2 फिट होता है या नहीं अंदर। हाँ ये फिट हुआ, तो अब इसके बाद देखते हैं और कौन सा। चलिए तो ये हो गया ठीक है, तो इसके साथ हो गए हमारे ये 4 हो एक अंडू करते हैं। हाँ ये 4 ये 1, अब उसके बाद ये 4 ये 2, और अब 2+2 था तो एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए बढ़िया, क्या मिला? हाइपर कैटलिस्ट और मर्करी एग्जॉटिक ऑर्गेनिक रिसोर्स, ये रेयर इनऑर्गेनिक रिसोर्स ठीक है। इधर देखते हैं क्या है, वेटरन बाउंटी हंटर स्पेशल हेलमेट, काफ़ी कुछ मिल गया इधर भी। और इधर क्या है, क्रेडिट्स सैलरी और पीच ठीक है, इस तरफ और कुछ नहीं है। तो बाहर निकलते हैं, इसमें जो है हमारे को काफी लूट मिली है। हमारा मास जो है कितना है अभी, 412 पे पहुंच गया है, 160 की हमारी कैपेसिटी है, तो उसको बेच के काफी क्रेडिट्स मिलेंगे पक्की बात है। अभी जो है हमारा लगभग यहाँ पे काम हो गया है, धीरे धीरे चलते हैं, एक नजर इधर भी मार लेते हैं, इस तरफ कुछ नहीं है। वास्को तू तो नजरों से हट जा, अब जो है बस लगता है हमारे को वो रहा स्पेसशिप, तो जाके जो है बस स्पेसशिप क्लेम करना है। तो चलते हैं थोड़ा सा आराम आराम से, और तो यहाँ पे कोई एनिमी लग नहीं रहा, देखते हैं आगे कोई आता है या नहीं। ये लगता है अच्छा एक्टिवेट मेंटिस शिप ठीक है, एक्टिवेट करते हैं। ओ अच्छा ये भी ऊपर गया, अरे हमारे को जो है पूरा घूम के बाहर निकलना होगा। अरे देखते हैं फास्ट ट्रैवल हो सकता है क्या, नहीं फास्ट ट्रैवल तो वैसे भी नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा सा आराम आराम से निकलते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ से है लगता है शॉर्टकट, वास्को तू यहीं पे रह जा।
चलिए तो निकलते हैं यहाँ से। इसको खोलने का, अच्छा ये रहा कंप्यूटर, ठीक है खुल जा सिम सिम। वापस घूम फिर के जरिए आ गए। तो इसमें जो नोट किया है वो ये है कि जो डेड बॉडीज हैं आप अगर उनको पहले लूट चुके हैं तो ऐसे थोड़े टाइम बाद आए वापस घूम घाम के तो फिर से जो है कुछ में जो है मटेरियल मिल जाता है वापस। तो इस तरफ है शिप, कह रहा है कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो देखते हैं इधर से घूम के चलते हैं। इधर से तो पूरा बिल्डिंग के अराउंड जाना पड़ेगा, इस तरफ से देखते हैं कोई शॉर्टकट है क्या। हाँ इधर से ऊपर कूद के जा सकेंगे। इधर ग्रेविटी 0.64 है तो ये जंप लग जानी चाहिए। थोड़ा सा ऑक्सीजन रिकवर हो जाए। हाँ हो गया। अबे अटक गया, अबे अटक गया। चलिए इस तरफ जाना है मेंटिस की शिप के लिए तो चलते हैं। बस पहुंच ही गए लगभग। चलिए इसके बाद हमारा मिशन ये कंप्लीट हुआ। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए जो है यहीं पे रुकते हैं। आज जो है हमने मैंटिस के लेयर को एक्सप्लोर किया, उसका स्पेस सूट रिकवर किया और उसके स्टारशिप को भी क्लेम किया। तो आज यहीं रुकेंगे और अपनी स्टारफील्ड की कहानी को फिर अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।